राजधानी के पंडरी खादी भंडार मैदान में बुजुर्ग की लाश मिली है और लाश कुछ दिन पुरानी बताई जा रही है। इसका सिविल लाइन थाना पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के भेज दिया है। मृतक बुजुर्ग की पहचान ताजनगर निवासी मोहम्मद के रूप में की गई है, जो कि 21 तारीख से लापता था। मृतक दिमागी रूप से कमजोर था और पहले भी घर से लापता रहा है। वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस का मानना है कि मृतक की सामान्य मौत हुई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। इक्कीस दिसंबर को एक ताजनगर से लगभग छिहत्तर वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद जो है उसके गुम इंसान की रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज की गई थी। गुम इंसान कायम करने के बाद जिसकी तलाश की जा रही थी और उनके परिजनों से के द्वारा ये पता चला था कि मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर होने के कारण मोहम्मद जो है वो पहले भी दो तीन बार इधर घर से निकल चुके हैं और इधर उधर जाने के बाद बड़े मुश्किल से उन्हें खोज के लाया गया है। 21 दिसंबर को जब वो घर से लापता हुए तो उस पर रिपोर्ट दर्ज की गई और उनकी तलाश की जा रही थी। इसी बीच कल खादी ग्रामोद्योग मैदान के पास नाले के पास कीचड़ से में आधी फंसी हुई उनका शव बरामद हुआ है और जिसमें मर्ग कायम करके शव का पंचनामा के लिए तत्काल में कहा भेज दिए गए हैं। अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त है और ऐसे प्रथम दृष्टया जो है वो ठंड और अन्य कारणों से एक प्राकृतिक मृत्यु प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।